मैं एक बात पूछूंगा पहले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, माताएं तो भोजन बनाती हैं, हम में से कई लोग बनाते हों, बना सकते हैं, बनाते तो नहीं होंगे लेकिन बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। और हम में से 10 लोगों को अलग किया जाए और ये कहा जाए कि देखो आप लोगों को भोजन बनाना है। लेकिन भोजन बनाना कैसे है? सबके लिए अलग अलग काउंटर होगा, अर्थात सबका गैस चूल्हा अलग, बर्तन अलग, और भोजन का जो बनाने का सामान मिलेगा, चावल दाल आटा सब्जी मसाला, सबका बराबर, सेम चावल सेम दाल सब्जियां भी मसाला भी सब कुछ बराबर सेम एक ढंग का, जैसे एक बोरी खोले उसी में सबको बंटवा रखी है, ऐसे ही। तो सभी से कहा गया कि ये भोजन आपको बनाना है, और सभी ने 10 ने वो भोजन बनाया, बनाए। अब भोजन बनके जब तैयार होगा तो सबके भोजन का स्वाद एक समान होगा कि अलग अलग होगा? नहीं जी, वो लोग बताते सही, आपने बोली सही है कि नहीं, सबके भोजन का स्वाद अलग अलग होगा। अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? क्यों अलग अलग होगा? चावल तो एक ही प्रकार से है ना, दाल तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन स्वाद क्यों अलग अलग होगा? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बनाने का तरीका अलग अलग है। बस यही जीवन के संबंध में है। जीवन सबको समान मिला है, लेकिन क्या सबके जीवन में सुख दुख बराबर हैं? क्यों क्यों नहीं है? अच्छा, भगवान ने पक्षपात किया है, इस आदमी को ज्यादा सुखी बनाओ, इसको दुखी बनाओ, किसी को वरदान मिला है और किसी को श्राप मिला है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, फिर अलग अलग जीवन का स्वाद क्यों अलग अलग है? उत्तर तो पहले ही मिल गया है, सबका जीने का तरीका अलग अलग है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि स्वादिष्ट भोजन बने, मतलब जीवन में जीवन का सही स्वाद का अनुभव हो, और सही स्वाद का मतलब है जिस जीवन में आनंद का अनुभव होता हो, प्रेम का अनुभव होता हो, सुख का अनुभव होता हो, शांति का अनुभव होता हो, एक दूसरे के साथ विश्वास का अनुभव होता हो। नहीं, मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूरत है, क्योंकि सुनने में गर्मी ज़्यादा लगती है। सुनने में मेहनत है, बोलने में नहीं है, मुझे पता है। अब बहुत मेहनत है सुनने में, क्योंकि वक्ता बदल जाते, सुनने वाले वही रहते हैं, मैं जानता हूँ। इसलिए गर्मी उन लोगों को लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ। और उससे ज़्यादा मेहनत है जो सुने हैं ना उसको जीवन में लाने में, उससे ज़्यादा मेहनत है। तो अभी तो केवल सुने, लाना न लाना जीवन में ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग जाने। लेकिन मैं तरीका बताता हूँ, जो मैंने जाना, जो मैंने गुरुदेव जी से सुना पढ़ा, वो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैं उदाहरण दिया था 10 लोगों के भोजन बनाने पर, समान सबका एक समान, लेकिन सबके भोजन के स्वाद में अंतर है। इसका मतलब है सबके भोजन बनाने के तरीके में अंतर है। ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन एक तरह से है, एक समान है। यदि आप फर्क देखेंगे तो शारीरिक दृष्टि से फर्क नहीं है। जिन्हें आज हम
सफल लोग कहते हैं, सफल लोग कहते हैं, या जिन्हें हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, या फिर किसी भी दूसरे क्षेत्र, ये तो खैर साधना की बात हुई, धर्म क्षेत्र की बात हुई, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सफल हैं, खेल में सफल हैं, संगीत में सफल हैं, व्यवसाय में सफल हैं, अलग अलग सफल हैं सब, तो वे और हम सब देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से सब समान है, बराबर है। कबीर पंथ के एक संत ने कहा, फेर परा नहीं अंग में नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कुछ बूझ में सो निर्वारे नाई। अंगों को देखो, हम लोगों के दो हाथ, बुद्ध के कितने हाथ, राम के कितने हाथ, कृष्ण के कितने हाथ, कबीर के कितने हाथ, दो ही तो, दो आंखें, दो कान, दो पैर, सब कुछ। यदि अंदर से जो अपने भीतरी ऑर्गन्स को देखेंगे, हार्ट, अच्छा हम लोगों को एक हार्ट मिला है और बुद्ध को दो मिला था, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अंदर की स्थिति भी समान, शरीर समान, इंद्रियां समान, सब कुछ समान, अंतर कहाँ हो गया? आखिर वो इतनी ऊंचाई पर क्यों उठ गए, हम इतनी ऊंचाई पर क्यों नहीं उठ पाए, उसका अंतर बताते हैं। फेर परा नहीं अंग में नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कुछ बूझ में, ये बूझ में, बूझ का मतलब है समझ। कहते हैं ना जब पहली बुझाते हैं तो बूझो तो जाने, पहली कहानी बताए, अच्छा बताओ, छत्तीसगढ़ में बताते हैं जनौला कहानी, अच्छा जानो इसका क्या अर्थ है। तो उसी प्रकार से बूझ समझ, समझ का अंतर है। हम जीवन को जो जितना अच्छा समझेगा ना, वह उतने ही अच्छे तरीके से जिएगा। किसी भी काम को आप किसी भी, देखो एक जीवन की बात तो है ही है, किसी भी काम को बढ़िया से करना है तो उसके पहले उसे समझना तो पड़ेगा। बिना सोचे समझे करेंगे तब ट्रिक नहीं बनेगा वो। कोई भी काम, एक होता है सोच समझ कर किया हुआ काम और दूसरा है बिना सोचे समझे काम। कौन काम अच्छा होगा? सोच समझ करके काम करेंगे तब। बिना सोचे काम करने से क्या होता है? अच्छा ये पंक्ति सब लोग सुने होंगे, बताऊं? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। बताओ इसका मतलब है, बिना विचार कर, बिना विचार करे कोई काम करता है तो क्या होता है? काम अच्छा नहीं होता है। बिना सोचे समझे व्यवसाय शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे खेती कर रहा है, बिना सोचे समझे संबंध बना लिया। कोई भी काम बिना सोचे समझे करोगे वह काम अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार जीवन, जीवन को हम सोच समझ के जी रहे हैं या फिर बिना सोचे समझे जी रहे हैं? सोच समझ करके जिएंगे तो जीवन में अच्छा परिणाम आएगा, सुंदर रिजल्ट आएगा। पहली बात तो यही है, हम में से बहुत कम लोग हैं ना जो यही तय नहीं कर पाते हैं कि सचमुच हम जीवन में चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं। अच्छा कुछ लोगों से पूछो, अच्छा क्या चाहते हो? तो कहेंगे बहुत पैसा चाहता हूं। अच्छा कितना पैसा चाहिए? ओ अभी सोचा ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है। किसी पूछो मकान चाहिए, अच्छा कितना बड़ा मकान चाहिए, कैसा मकान चाहिए, अच्छा सोचा ही नहीं है। तय नहीं करते हैं पहले से। जैसे कबीर साहब जी ने कहा है, नाव न जाने गांव का भूला मारक जाए, काल गड़ेगा काटा अगमन खसी कराए। एक आदमी जा रहा हो, उनसे पूछो रुको भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो खड़ा होता है और कहता है, न तो मुझे अपने नाम का पता है, न तो अपने गांव का नाम पता है। क्या होगा?
कैसे पता, कैसे जानेंगे कैसा आदमी होगा ये, जिसे अपने गांव का और नाव का अर्थात मंजिल का पता नहीं है, दूसरे शब्दों में कहूं तो फिर वो कहां पहुंचेगा। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा स्पष्ट करके बताऊं। आप दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं या रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, और रेलवे स्टेशन में जो बुकिंग काउंटर होता है ना, टिकट बुकिंग, पैसा हाथ में ले करके आप खिड़की में हाथ डाल दें और ये शब्द एक वाक्य बोलें, बाबूजी एक टिकट दे दो। उत्तर क्या आएगा? कहाँ का। क्या पूछेगा? कहाँ का। और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। अच्छा, कहाँ का देगा फिर वो? कहीं का भी दे दो तो पता है कहीं का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं का कोई स्टेशन होता नहीं है, कहीं का भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये निर्धारण कौन करेगा कहाँ का टिकट चाहिए, काउंटर में बैठा वो कि आप? इसी प्रकार से कैसा जीवन चाहिए ये निर्धारण कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। एक बार जब आपने निर्धारित कर लिया ऐसा जीवन चाहिए, फिर आप अपनी शक्ति को उस दिशा की ओर ले जाइए। जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो पहले तो सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके पश्चात च्वाइस होता है, निर्णय लेना होता है, आप कॉमर्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स जाएंगे, बायोलॉजी जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, आर्ट्स लेंगे, अलग अलग विभाग होता है, तय करते हैं, फिर उस विषय की पढ़ाई होती है, ऐसे लोगों से मित्रता होती है, ऐसी चर्चाएं होती हैं, और तब जाकर के वो जो वो सोचा रहता है जीवन में, वो डिग्री जिसके लिए चाहता है, मैं बीएससी हूँ, मैं बीए पास करूँ, या जो भी वो सोचा रहता है, वहाँ तक वो पहुँचता है। और जिसने तय ही नहीं किया है कैसा होगा? हम सब तो लगभग यही है, बस इतना ही सोच लेते हैं कि कमाना है, खाना है, जीना है, शादी विवाह कर ले करके बाल बच्चे कुछ पैदा हो जाएंगे, उनको पाल पोस कर बड़ा कर देना है, उनको धंधा पानी में लगा देना है, और ये सब हो गया तब क्या कहेंगे? अब तो छुट्टी पा गए, अब काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं हुआ, काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि जो संसार की जिम्मेदारी थी, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी थी, वो पूरी हो गई, अब खुद की जिम्मेदारी बढ़ गई, स्वयं की जिम्मेदारी होनी तो चाहिए, शुरू से ही स्वयं की जिम्मेदारी लें, स्वयं को संवारे, तरासे, बनाए बढ़िया से बढ़िया, तो ही तो बढ़िया होगा। लेकिन उस पर ध्यान जब नहीं देंगे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है, कुछ मिलता नहीं है फिर जीवन में। आप जैसे, मैं इसको इस ढंग से बताऊं, एक समय तो आएगा ना कि हम लोगों का जीवन का अंत होगा, या फिर ऐसे लोगों को भी आप देखे होंगे जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कह दिया कि भाई इसको घर ले जाओ, अब इसको दवाई पानी और इलाज की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये अंत अवस्था है, घर में ले जाओ, सेवा करो, ठीक है, अमुक अमुक दवाई कुछ एहतियातन कुछ खिलाते रहो। और डॉक्टर ने कहा कि ये इतने दिन का और है बस। घर ले आते हैं, बिस्तर पर लेटा देते हैं, चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, ये आज दिन भर का मेहमान और है, एक दिन का या दो दिन का मेहमान और है, और वो आदमी सुन रहा है। उस समय मान लो ये दशा हमारी हो, और होगी ही एक दिन जब हम भी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, चारों तरफ लोग खड़े रहेंगे और परस्पर चर्चा करते रहेंगे, ये आदमी कुछ देर का मेहमान और है, उस समय मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए? क्या हमने कभी सोचा है? क्या ऐसा लगेगा उस समय संतुष्टि भरा समापन ऐसा लगे जिसके लिए
मुझे जीवन मिला वह मैंने जी लिया, जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर लिया, मैं खुश हूं। सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव है। मैं इस दुनिया में जिस काम के लिए आया था वह काम पूरा कर लिया है। इतना पूरी से फुलफिलमेंट, पूरी संतुष्टि भरा समापन हो जीवन का, हम में से कितने लोग का होने वाला है? ज्यादातर लोगों का होने वाला है अफसोस भरा समापन। क्या होने वाला है? अफसोस भरा। क्या मन में आएगा? मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकता था, मैं मन को निर्मल बना सकता था, अमुक आदमी से क्षमा मांग सकता था, अमुक आदमी को क्षमा कर सकता था, ये मैंने क्यों नहीं किया? जो मुझे जीवन में समय मिला, इतना धन न होता तो क्या हो जाता? मेरा मन तो प्रसन्न रहता। इतनी बड़ी व्यवस्था न होती तो क्या हो जाता? छोटे से भी काम चल जाता, लेकिन मेरा मन शांत और प्रसन्न रहता, शिकायत से भरा न रहता। अपनों के प्रति अभी भी शिकायत, कमाल है। लोग मरते वक्त भी, जबकि पता है कि सब कुछ छोड़कर जाना, अभी कुछ दिन पहले ही सूरत आश्रम में बैठे हम लोग, सुबह गुरुदेव जी का प्रवचन सुन रहे थे बीजक पे। रोज सुनते हैं, सुबह सुबह तो गुरुदेव जी का ही सुनते हैं जो रिकॉर्डेड प्रवचन है। तो उन्होंने कहा कि सच्ची घटना है, एक आदमी था, पहले की बात थी, चांदी के सिक्के बहुत सारे वो इकट्ठा किया था और उसे वो कहीं खोद करके जमीन में गाड़ा था, और आज से करीब 70-80 साल पहले बैंकों का प्रचलन ही कहाँ था। गुरुदेव जी तो बताए होंगे तो बात तो शायद उनको और पहले की बात होगी, जिसने देखा था 100 साल पुरानी ही बात हो सकती है। तो वो बता रहे थे कि खोदवाए और बिल्कुल मरना सन्नप्त मरने वाले थे। उसने कहा कि वहाँ धन गड़ा है, खोदो उसको। निकाला गया, लोगों ने कहा आप जहाँ कहें वहाँ खर्च कर दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं खर्च मत करो, इसको चांदी के सिक्के को उसमें एक जलखरी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें सिक्के भरे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जो बहुत पुराने होंगे ना, वो उसको कहने, वो सिक्के डालने वाला ऐसा होता था ना, धागक बनाए हुआ ऐसा होता था। अरे नहीं गुल्लक नहीं, मजा नहीं आया वो। गुप्ती वेट, बिल्कुल थैंक्स, वही मैं कह रहा था, गुप्ती वो भूल ही गया था दिमाग से। मैं बहुत पुराना देखा था, तो वो चीज में वो ऐसा ही वो बहुत सारे सिक्के को भरवाया और भरवा करके अपने छाती पर रख लिया और रोने लगा। ऐसा करके मर गया आदमी। सोचो सही, कैसा जीवन है, हार है कि नहीं है जीवन से? क्या जीवन से आप जीते हैं कि हारे हैं? एक उदाहरण था है कि एक आदमी सेठ था, बड़ा सेठ, दुकानें थी, व्यवसाय था, और डॉक्टर ने कह दिया था बस कुछ देर का मेहमान है, लेटे थे। और ऐसी स्थिति में तो सभी परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं, पता नहीं पिताजी अंत में कुछ कहने वाले हों, सुनो भाई विदा होने वाले हैं। तो फिर सब लोग खड़े थे। अब वो फिर थोड़ी सी आंखें खोला और कहा कि नाम लिया बड़े बेटे का, कई बेटे थे, बड़ा बेटा कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं यहीं खड़ा हूँ, आपके पास ही खड़ा हूँ। अच्छा, फिर पूछा कि दूसरे नंबर वाला के पूछा नाम लिया, वो कहाँ है? पिताजी मैं बिल्कुल आपके पैर के पास ही खड़ा हूँ। अच्छा, फिर तीसरे नंबर वाले के पूछा, तो फिर उसकी माँ ने कहा कि उसके बच्चे की, उसने कहा कि वो भी यहीं खड़ा है, सब लोग यहीं हैं, आप शांत रहें, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। तीसरे को पूछा, फिर चौथे को पूछा, चौथे ने भी कहा बिल्कुल मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, सिर के पास ही खड़ा हूँ, आप कुछ कहें। उसने कहा मूर्खों, सबके सब यहीं रहोगे तो दुकान में कौन रहेगा, कौन बैठा है? जीवन है क्या जिए आप? आपको तो राम की याद आनी चाहिए ना, शांत होने के सोचो उस अवस्था में जब पता है सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं तब। लेकिन
वो तैयारी आज से करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम धंधा बंद कर देंगे या परिवार के साथ रहना बंद कर देंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी खुद की जिम्मेदारी क्या है? क्या आपको शांत नहीं रहना चाहिए? भीतर में कभी अकेले बैठ करके शांत का अनुभव, मौन का अनुभव, कभी आप बिल्कुल भीतर से एकदम अकेलापन, शांत। आप ख्याल करो, किसी की याद करते हैं तभी तो दुख और सुख का चुड़ाव होता है। याद में ही दुख सुख जुड़ते हैं। जब पुरानी घटनाएं जिससे हमको तकलीफ हुई है, या तो कोई मरा, या तो कोई नुकसान किया, या तो किसी ने गाली दी, या तो किसी ने अपमान किया, किया कब? आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले। घटना कब घटी है? आज से पहले। और जैसे ही आपको याद आती है, आप दुख से जुड़ जाते हैं। चाहे वो सुख की घटना हो, किसी की शादी हुई हो, किसी का बच्चा आया हो, या कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो जहां आपको इनाम मिला हो, प्रशंसा हुई हो, उसकी जैसे याद आई आपको सुखानुभूति होने लगती है। ये दुख और सुख यादों में है, यादों में, और ये हमको तरंगायित करते हैं, ये हमको विचलित करते हैं। लेकिन जिस समय आपको कुछ भी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए, उस समय कौन दुख है? सद्गुरु श्री विशाल देव ने कहा है, जाही समय कछु याद नहीं ताही समय दुख कौन। जिस समय किसी की याद नहीं आती है उस समय कौन दुख है? कोई दुख है? कोई भी दुख नहीं है। इसलिए कभी कभी आप शांत होकर के बैठें और किसी की याद ना करें, किसी की याद ना करें। जैसे आप अकेले में बैठें, हमेशा ध्यान रखें। देखिए, जीवन आपका, आप जब साधेंगे ना, साधेंगे ना, तो ही जीवन इस लेवल से ऊपर की लेवल की ओर जाएगा। मैं केवल प्रवचन करूं इससे जीवन अच्छा होगा, नहीं हो सकता है। मैं साधु का कपड़ा पहन लूं इससे जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आप कहेंगे हम तो दीक्षा लिए हैं, भगत हो गए हैं, जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं होता है। जीवन को अच्छा करने के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको साधने की जरूरत है, और वो हम समय ही नहीं निकाल पाते अपने लिए। कभी भी अकेले में बैठने का समय नहीं निकाल पाते, कभी भी स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाते। जीवन कैसे अच्छा होता है? और फिर क्या होता है जीवन में? आपस में कला, परिवार में भी देखो ना, थोड़ी सी बैठेंगे, चार माताएं एक जगह बैठेंगी, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसकी वो, आप लोग को अनुभव भी होगा। 4-6 लोग एक साथ बैठ जाएं तो कौन सी चर्चा करते हैं बताओ? आप पूछते हैं, अच्छा ध्यान करती नहीं करती हो, कितनी पुस्तकें पढ़ी हो, सत्संग में कब कब जाती हो, कभी चर्चा होती है? राम कहो, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। क्या चर्चा होती है? उसकी बहन, उसकी बेटी, उसके दामाद, उसका पति, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी सास, उसकी बहू, मतलब अंदर के कचड़े को निकाल करके फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर। अच्छा, उनके अंदर भी कचड़ा, वो भी फेंक रहे हैं। अब जहां पर कचड़ों का डंप होगा, जहां कचड़े इकट्ठे होंगे, वहां सुगंधी आएगी कि इसको उल्टा, सही है कि नहीं है? जहां कचड़े तो फेंक रहे हैं, पवित्र विचार, जहां पर अच्छे विचारों का प्रवाह हो वही तो पवित्रता प्रकट होगी, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। आप कभी अकेले में बैठे, अपने लिए बैठे, किसके लिए? अपने लिए बैठे, खुद के लिए बैठे। देखो, परिवार के लिए दिन भर आप काम करते हैं, समाज के लिए बड़ा जगह जगह जाकर के प्रोग्राम अटेंड करते हैं। कोई सरपंच है, कोई MLA है, कोई MP है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं। अपनी सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अपना सुधार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? दुनिया के सुधार करने के चक्कर में कहीं अपना ना बिगाड़ कर लो। पहला सूत्र सबको याद है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे दुनिया बदलेगी, तब हम बदलेंगे क्या? अपना तो बदलो पहले। तो गुरुदेव जी के पास 3 युवक आए थे, सच्ची घटना। तो
महाराज जी, हम लोग कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सुधार के लिए काम करना चाहते हैं, समझ नहीं पड़ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात कह रहे हो, जो समाज सुधार के लिए तुम लोगों के मन में बात आई है, लेकिन पहले यह तो बताओ, तुम लोगों ने अपना सुधार कर लिया है? अपना सुधार किए हो नहीं किए हो? फिर चर्चा शुरू हुई तो तीनों के तीनों बीड़ी पीते थे। आप अपना तो सुधार करो पहले, तू समाज सुधार में लगे हो, आप पहले सुधरोगे तो हो सकता है आपको देख करके समाज सुधरना शुरू कर दे। तो मैं कह रहा था, अपने लिए समय निकालें, खुद के लिए। आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं अकेले में होने का, और उस अकेले, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटा 3 घंटा निकालना है, आधा घंटा निकालो, कुछ देर निकालो, जो आप समाज के लिए दे रहे हो, जो परिवार के लिए दे रहे हो, उसी के लिए। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, खुद के लिए जब समय निकालोगे ना, तो वहां जो बन जाओगे, 23 घंटे जो आप काम करते हैं ना, और जो उपलब्धि हासिल करते हैं, जो पाते हैं, वो सारी चीजें पाते हैं जिसको छोड़ के जाना है। लेकिन उस 1 घंटे में जो कमाई करोगे ना, वो आपका साथ चलेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? 23 घंटे जो आप काम करके उपलब्धि प्राप्त करते हैं, चाहे बड़ा मकान बनाते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, चाहे बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं, ऊंचे पद पर जाते हैं, सब कुछ को छोड़कर जाना है। लेकिन उस 1 घंटे या आधा घंटे में जो अपने आप को बना लेंगे ना, जो अपने आप को कमा लेंगे ना, वो जो अर्जित कर लेंगे, वो आपके साथ जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए उसके लिए समय निकालें। और मैं एक सरल उपाय बताता हूं, क्या करना है, उस थोड़ी देर के लिए बैठना है, तब आप लोग सुने होंगे ना, भजन करो। भजन सबको करना चाहिए, एक होता है भोजन, एक होता है भजन। भोजन करने का सौभाग्य सभी प्राणी को है, सबको ना, जो जिंदा प्राणी है, पेड़ पौधे सब, सबको भोजन करने का सौभाग्य है। लेकिन भजन करने का केवल मनुष्य को, मनुष्य के अलावा अन्य कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता है। लेकिन केवल भजन गाना भजन करना नहीं है, क्या है, सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है, बहुत सरल सरल उपाय बताएं सद्गुरु कबीर, बशर्ते हम कर सकें। कबीर पंथ में एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और मैं सरल उपाय बताऊं, भजन अपने साथ बैठो, अकेले में बैठो, और ये संकल्प लो, मेरे जीवन में जो मेरे से गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को ना दोहराऊं, बल्कि इसकी जगह अच्छाइयों को लाऊं। सचमुच भजन क्या है, जब आप अकेले में बैठते हैं और उस समय काम करिए, कुछ नहीं चाहिए, बाकी समय चाहता हूं, कोई बात नहीं, चाहो ठीक है, चाहना ही जरूरी है, चाह करके काम करो, लेकिन कुछ समय अपने लिए ये चाहो, क्यों, मैं इस समय कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं ना, अर्थात इस समय कम से कम आधे घंटे के लिए मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए, एक समय अपने साथ। और जिस समय वो कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब सब कुछ होता है, इस चीज को समझें आप, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं नहीं है, वही कुछ नहीं ही सब कुछ है, वही सब कुछ है। एक समय आपके मन में जगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप भीतर से शांत मौन और सन्नाटा हो गए, उसी समय आप अपने आप से मुलाकात करते हैं। बाकी समय तो दुनिया से मुलाकात करते हैं, आपका मन याद करता है प्राणियों को, पदार्थों को, या तो घर की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी, पति की याद आएगी, परिवार की याद आएगी, व्यवसाय की याद आएगी, जब जब जिसकी याद करते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस समय सबसे डिस्कनेक्ट हैं,
तब किससे कनेक्ट होंगे? स्वयं से, सेल्फ से, चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, स्वयं से मुलाकात, स्वयं से जुड़ाव। जिस समय आप किसी से नहीं हैं जुड़ाव, इस समय मैं कुछ नहीं चाहता। और जानते हैं क्या सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है? साफ है और सबको याद है यह पंक्ति, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन। कुछ समय तो निकालो कुछ नहीं चाहने की दशा में आने के लिए, और जब ये काम करना शुरू कोई करेगा, जीवन को देखो, और वहां जो आपने शांति भर ली है भीतर, वहां जो प्रेम आपने अंदर लबालब भर लिया है, आपके जीवन में बहेगा, फिर वो जाएगा दूसरों की ओर में। जब आप परिवार से मिलेंगे वो प्रकट होगा, व्यवसाय में जाएंगे वो बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने पवित्रता का संग्रह किया है, क्योंकि आपने आत्मा से जुड़ाव करके एक रिचार्ज, समझ लीजिए, क्योंकि आत्मा ही पवित्र है, ये जीव ही पवित्र है, उस पवित्रता से जुड़ाव पा करके हम पवित्र होते हैं। संतों से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि संतों के अंदर जो शक्ति और ज्ञान है वो हमें मिल जाए, हम उनके साथ जाएं। आग के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आग की गर्मी हमको भी मिल जाए, तभी तो जाते हैं, इसी के लिए जाते हैं। तो आत्मा चूंकि पवित्र है और निर्मल है, उस निर्मल और पवित्रता के संग चूंकि हमने कुछ समय बिताया, उसके साथ रहे, तो हमारे जीवन में वो आने लग जाएगी, और जब अंदर वो चीजें आएंगी तो हमारे जीवन में वो बाहर भी प्रकट होने लगेंगी, हमारे व्यवहार में प्रकट होने लगेंगी। और वो काम जो नहीं करेगा वो किसका संग्रह कर रहा है? अपवित्रता का। और वो चीजें बाहर प्रकट होने लगती हैं, राग द्वेष कला नफरत घृणा द्वेष ईर्ष्या, ये कहां से आते हैं? ये बाहर से नहीं आते हैं, सब कुछ भीतर से उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, और यही हमारे जीवन को स्वादिष्ट और कड़वा बनाता है। जीवन में मिठास भरना है या जीवन में कड़वाहट भरना है, ये हमारे ऊपर है। सही तरीका से भोजन बनाओ ताकि स्वादिष्ट लगे, सही तरीके से जीवन जियो कि आपको भी आनंद आए, और आपके संपर्क में आने वालों को भी आपके साथ रहने में अच्छा लगे, आपके साथ रहना अच्छा लगे, पसंद आए। और हम उनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। किसी के पास गए और हमारी निंदा शुरू कर दे, आलोचना शुरू कर दे, फटकार लगाए, डांट लगाए, छोटी छोटी गलतियों पर वो गुस्सा करे, कितने दिन तक रहोगे? नहीं रह सकते। लेकिन जिससे हमको स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, विश्वास मिलता है, सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, उनके साथ रहना हम पसंद करते हैं। ये कब होगा? जब आप ऐसा जीवन निर्मित करने लग जाएं। ये केवल पूजा से नहीं होने वाला है, आरती वंदन से नहीं होने वाला है, आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, जीवन को संवारना और तराशना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन अच्छा होता है। कितना मूल्यवान जीवन मिला है देखो तो सही, रोज अवसर मिलता है। मैं एक चीज बताऊं आपको, रोज प्रतिदिन जीवन के जो दिन बीत चुके, आज के पहले, आज से पहले, इस पल के पहले जो बीत चुके, वो कभी लौट कर नहीं आने वाला है। आज 12 नवंबर है ना 2022, तो 11 नवंबर 2022 कभी आएगा लौट करके? नवंबर आएगा, 11 तारीख भी आएगी, लेकिन वो 23 की होगी, फिर वो 24 की होगी, 22 वाली लौटने वाली नहीं है। हमारे भी जीवन के दिन बीत रहे हैं, सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त होता है, और हमारे जीवन का एक दिन चुरा के ले जाता है। और एक ऐसा दिन जो कभी लौटकर जीवन में नहीं आया है, हमने उस जीवन को, उस दिन को कैसे जिया है, बस इस पर निर्भर करता है। जैसा भी जीवन पिछले दिनों में जिया, इसको तो भूल जाओ। अगले दिन से क्या निर्णय है आपका, अगले दिन कैसे जीने वाले हो, ये आपके जीवन की दिशा को बदलेगा।
आज की तारीख से कैसे निर्णय ले रहे हो, कल का दिन मुझे कैसे जीना है, तय कर लो। आज मैं अधिक से अधिक प्रेम से भरा रहूंगा, अधिक से अधिक मीठे शब्दों का प्रयोग करूंगा, सबके प्रति सहयोग का भाव, छोटी लोगों की गलतियां हो गई क्षमा कर दूंगा, अपनी गलती हो जाएगी क्षमा मांग लूंगा, ये भाव करना शुरू करो। कोई ऐसी बात आ गई धैर्य और सहनशीलता का परिचय दूंगा। हर चीज में प्रथम आने को सोचो, धैर्य रखने में प्रथम, सहनशीलता में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, आओ तो सही, जीवन तब प्रगति की ओर होता है। कितना सुंदर मिला है जीवन, और एक एक जैसे घड़ा हो, घड़ा में से छोटा सा छेद हो, एक एक बूंद 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 पानी टपके घड़ा खाली हो जाएगा। ऐसे ही रोज हर दम श्वास निकल रही है। सद्गुरु कबीर ने बहुत अच्छी बात, हर जगह उनकी बातें क्या बताऊं, जब आप पढ़ेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। साहब ने क्या कहा है, सास नगारा कूच का बाजत है दिन रैल, सांस नगारा कूच का, जो सांस आप ले रहे हैं ना, ये कूच का नगारा है, जाने का बता रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। कच्चा घड़ा ख्याल करो, मिट्टी का कच्चा घड़ा कुम्हार ने बनाया, अभी उसको आग से पकाया नहीं है, मिट्टी का कच्चा घड़ा हाथ में लिए करके जा रहा था, टपका लागा कहीं से चोट लग गई फूट गया कछु ना आया हाथ, कुछ भी हाथ नहीं आता। ऐसे ही यह शरीर है, शरीर के बारे में साहब ने कहा यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चा घड़ा है, कहीं से फूटा काल का चपेट आया और भरा करके गिर जाता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर जैसे रात में जब सोने के पहले हम स्विच ऑफ कर देते हैं और बत्ती घुस जाती अंधकार, ऐसे ही होगा अंत में, सब कुछ खत्म अचानक। सद्गुरु कबीर की पंक्ति भजन है, करो रे मन वा दिन की तदबीर, जब यमराजा आनी परेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भर है नीर। साहब की कितनी अच्छी बात करते, मुंगरी समझ रहे ना, कपड़ा धोने वाला जो कोटेला होता नहीं सर, ऐसे ही यमराज आकर के पीट पीट करके प्राण निकाल लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक ढंग है, साहब का कहने का तरीका है, उनका क्या कहना है, उस समय आप दुखी होंगे अशांत होंगे नहीं, आपको कैसे होना है, समापन कैसे हो जीवन का, जैसा सद्गुरु कबीर ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अरे जिस मरने से लोग डरते हैं, मेरा मन तो आनंदित है, कब मरूंगा और वो पूर्ण परमानंद को पा जाऊंगा। और हम लोग भगवान से कहें, हे भगवान दो दिन के लिए और छोड़ दो, चार दिन के लिए और छोड़ दो। एक कहानी कहूं और बंद करूं, 12:30 भी हो जाएगा। तो एक बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत सारा पैसा कमाया, सब कुछ बनाया, और जब वो अपने सर्फियों की गिनती की सोने की, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बहुत होता है ना, आज भी बहुत है तब भी बहुत था, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसने इकट्ठी कर ली। फिर उसके मन में क्या हुआ, बस अब धन कमाना बंद, क्या करना है, जो भी धन कमाया है इसका अब आनंद लेना है, इसका उपभोग करना है, इसका सुख लेना है। तो जैसे उसने निर्णय लिया अब धन कमाना बंद करूंगा, अब केवल धन का मैं मजा करूंगा, पीछे से कंधे में हाथ रखा किसी ने और कहा बस वक्त हो गया चलने का। पीछे लौट के देखा तो मौत खड़ी है। उसने कहा कमाल है, आप क्या अन्याय कर रहे हैं, अभी तो मैं धन कमा के फुर्सत पाया, अब तुम कम से कम जीवन का आनंद लेने दो, रुक जाओ भी छोड़ दो कुछ समय के लिए, नहीं वक्त हो गया, अब मौत आकर के जब पकड़े क्या करेंगे हम लोग, क्या दसोगे बताऊं, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है ना,
चूहे का क्या करता है, चूहा चें चें करके रह जाता है। ऐसे ही मौत आकर के जब हमको दस्तक देगी ना, बस चें चें चें, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर। तो फिर उसने कहा कि चलो वक्त हो गया। बहुत परेशान हुआ, किससे क्या कहे। अंत उसने एक बात कही कि आप ऐसा करिए, मुझे ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए दे दीजिए, ताकि मैं इसके धन का आनंद ले सकूं, जीवन का आनंद ले सकूं। उसने कहा नहीं, चलो वक्त हो गया है। और वो अपना शिकंजा कसा। उसने कहा बड़ा गड़बड़ है, अब थोड़ा मानवीय चाल चलने लग गया। क्या किया, एक काम करो, 6 महीना रहने दो, और जो मैं 3 करोड़ कमाया हूँ ना, उसमें से 1 करोड़ आप ले लो, या जहाँ कहो मैं चैरिटी कर दूँ। यही तो होता है। उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, चलना है। और बस शिकंजा कसने लगा। फिर उसने 3 महीने का समय मांगा, 1 महीने का मांगा, 2 करोड़ बढ़ाया, लेकिन मौत सुनने वाली नहीं है। ऐसा करते करते एक दिन नहीं मानती है, 1 घंटा, और कहा 3 करोड़ ले लो सबके सब, 1 घंटा का समय दे दो। मौत ने कहा बिल्कुल नहीं, हार गया। अंत में क्या कहा, अच्छा 1 लाइन लिखना है मुझे, 1 संदेश देना है दुनिया वालों के लिए। मौत ने कहा लिख लो, लिख लो। क्या उस संदेश को सुनना चाहेंगे? उसने क्या लिखा, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को समझो। मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर भी अपने जीवन का 1 घंटा लौटा नहीं पा रहा हूं। यह दशा आने वाली है, क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? अच्छा जियो, सुख से जियो, स्वयं सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, प्रसन्नता बांटो, प्रेम बांटो, नफरत घृणा नहीं, द्वेष नहीं, लेकिन प्रेम को बांटने के पहले कमाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहां से आ जाएगा। अच्छा किसी को 10 रुपये देना हो तो कमाओगे तब तो दोगे भाई, कहते हैं ना दोगे तब मिलेगा। अच्छा बीज बोओगे तब तो आएगा, बिना बोए कहां से पाओगे। अच्छा उसके पहले चाहिए ना, प्रेम कमाना है, विश्वास कमाना है। प्रश्न होता है कैसे कमाएं, शाम को बताऊंगा, अभी तो सभा भरी है, अभी तो आ रहे हैं लोग, 10 से 12 टाइम दे, 12:30 आए हैं। शाम को मैं चर्चा करना चाहूंगा कि प्रेम कैसे कमाएं, सद्गुणों का विकास जीवन में कैसे करें, वो क्या तरीका है, और ऐसे सद्गुण जीवन में आ जाएं तो सचमुच आनंद का ही अनुभव हो, वो कैसे करें, और कहीं बाहर जाकर नहीं, जहां है वहीं, वो तरीका हमें सीखना है, जिससे पारिवारिक प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े, स्वास्थ्य सुंदर हो, मन प्रसन्न हो, समृद्धि हो, सब कुछ में सफलता मिले। हम इसके संबंध में शाम को चर्चा करेंगे। इस समय छुट्टी दें साहेब, बंदगी देव नहीं, सब ठंडा गए, बोलो ठीक से जोर से, सदगुरु कबीर साहेब की, नहीं थोड़ा और जोर से, ठीक से बोलो भाई। अच्छा डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया होगा जय बोलने से, वो ना बोले, बाकी लोग बोलेंगे। कहते हैं ना जय बोलने से पाप बाहर निकल जाता है, बाहर, तो कहते हैं कि अच्छा निकल तो जाता है, कहाँ जाता है, उनके ऊपर चला जाता है जो नहीं बोलता है। वो आप लोग जानो अपना अपना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बस धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत ही नीरस विषय, मैं जानता हूँ मेरे विषय बहुत ही नीरस होते हैं, क्योंकि मैं तो जीवन के संबंध में बता रहा हूँ, लोगों कथा कहानी भजन संगीत ही पसंद है, लेकिन इस विषय को भी कोई सुने तो शायद जीवन ट्रांसफार्म हो जाए, जीवन बदल जाए। इसी के लिए हम सत्संग से जुड़ते हैं, मेरा जीवन बदल जाए, आनंद की ओर बढ़ जाए। सत्य का पथ वही है जो हमें आनंद की ओर ले जाए, जो हमें दुख की ओर ले जाए वो असत्य पथ है। बस इतना ही ध्यान रखना, क्या मेरा आनंद रोज रोज बढ़ रहा है या अशांति बढ़ रही है। साहेब बंदगी।